नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अपने निजी फायदे के लिए चीन अक्सर साइबर हमले करता रहता है। ताज़ा किए गए हमलों में दुनिया भर के कम से कम 30,000 सर्वर पर गहरा असर पड़ा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दूसरे तमाम बड़े देश चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की तरफ से किए जा रहे साइबर हमले की गतिविधियों के पैटर्न को उजागर करने और इसका मुकाबला करने के लिए आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये हमला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर पर किया गया था, जिससे दुनिया भर में कम से कम 30,000 सर्वर प्रभावित हुए थे। ब्रिटेन ने इस हमले के लिए चीनी सरकार से समर्थित पक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा कि ये हमला चीनी क्षेत्र से किया गया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पर भी व्यापक जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने और दुस्साहस भरा बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। चीन इससे पहले भी हैकिंग के आरोपों को सिरे से नकारता रहा है और कहता है कि वो सभी तरह के साइबर अपराधों के खिलाफ है, लेकिन इस बार हैकर्स ने एक कमजोरी का फायदा उठाया, जो कि वेब शेल्स को सिस्टम में रखने की अनुमति देती है ताकि वे बैकडोर की तरह इस्तेमाल किया जा सके और ज्यादा शोषण के लिए रास्ता मुहैया करा सके। इसके बाद इस कमजोरी को दूसरे हैकिंग समूहों ने इस्तेमाल किया, जिससे सिस्टम का अपराधियों, रैसमवेयर अटैक और जासूसी के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सके। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि चीन समर्थित समूहों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर पर हमला दुस्साहस से भरा लेकिन जाना पहचाना बर्ताव है। चीनी सरकार को सिस्टमैटिक साइबर सैबोटाज से जुड़ी ये गतिविधियां बंद करनी चाहिए और ऐसा नहीं करने पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बात की पूरी आशंका थी कि इस हमले को बड़े लेवल के जासूसी अभियान को सक्रिय करने, निजी जानकारी हासिल करने और बौद्धिक संपदा को हासिल करने के लिए अंजाम दिया गया हो। ब्रिटानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीनी सरकार ने उसके दुस्साहसी अभियान को बंद करने के लिए लगातार किए गए पहल को नजरअंदाज किया है और सरकार समर्थित पक्षों को इस तरह के हमले करने और पकड़े जाने पर दुस्साहस से भरा बर्ताव करने की इजाजत दी है। यूरोपीय संघ ने अपने बयान में कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये और नुकसानदेह बर्ताव की वजह से यूरोपीय संघ की सरकारी और निजी संस्थाओं को आर्थिक नुकसान हुआ है। यूरोपीय संघ ने इस बयान में ये भी कहा कि उसने दूसरे तरह का चीनी बर्ताव भी देखा है और ये उसे भी सामने ला रहा है। ये बर्ताव दो समूहों APT-14 और APT-31 से जुड़ा है, जिन्हें चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। वहीं अमेरिकी सरकार ने कहा कि वो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि चीन ने एक इंटेलिजेंस इंटरप्राइज खड़ा किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हैकर भी शामिल है, जो कि अपने फायदे के लिए दुनिया भर में ऐसे अभियानों को भी अंजाम देते हैं जिनकी अनुमति किसी भी सरकार में नहीं दी गई है। इससे ये साफ होता है कि जब चीन के पास बड़े देशों के खिलाफ साइबर हमले करने की ताकत है, तो वो भारत को भी अपना शिकार बना सकता है, जिससे देश की बड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।